और अब बीकानेर के खाजूवाला से खबर, जहां पिता पुत्र के साथ हुई लूट की वारदात और ज्वेलरी शॉप बंद कर घर जा रहे थे। पिस्टल दिखाकर रास्ते में बाइक सवार तीन युवकों ने लूट की, दोनों को बदमाशों ने लाठी से घायल कर दिया। नाल थाना पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। पिता पुत्र के साथ लूट की वारदात हुई, ज्वेलरी शॉप बंद कर घर जा रहे थे पिता पुत्र, और इसी दौरान पिस्टल दिखाकर रास्ते में बाइक सवार तीन युवकों ने लूट की, दोनों को बदमाशों ने लाठी से घायल कर दिया। पिता पुत्र ज्वेलरी शॉप बंद कर घर जा रहे थे और इसी दौरान पिस्टल दिखाकर रास्ते में बाइक सवार तीन युवकों ने लूट की, पिता पुत्र को बदमाशों ने लाठी से घायल कर दिया। नाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। बीकानेर के खाजूवाला से एक खबर, जहां पिता पुत्र के साथ लूट की वारदात हुई है, ज्वेलरी शॉप बंद कर घर जा रहे थे दोनों पिता पुत्र, और इसी दौरान ये लूट की वारदात, पिस्टल की नोक पर रास्ते में बाइक सवार युवकों ने लूट की, पिता पुत्र को बदमाशों ने लाठी से घायल भी कर दिया। नाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, आए दिन ऐसी लूट की घटनाएं सामने आती रहती हैं, और इसी कड़ी में खाजूवाला में भी लूट की वारदात हुई। ज्वेलरी शॉप बंद कर पिता और पुत्र अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान पिस्टल दिखाकर रास्ते में बाइक सवार तीन युवकों ने लूट की और दोनों ही पिता पुत्र को लाठी से घायल भी कर दिया। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी, प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई मामले पर? जी मनीषा, देखिए जिस प्रकार से देर रात को मेघसर से बीकानेर आते वक्त एक ज्वेलरी शॉप के व्यापारी के साथ लूट की वारदात सामने आई है, जहां पर पिता व पुत्र दोनों अपनी शॉप है जो बंद कर घर आ रहे थे, इसी दरमियान रास्ते में तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए, उन्होंने पिस्टल दिखाकर उनके साथ मारपीट की गई, लाठी से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया और उनके पास से बैग में रखी नकदी व ज्वेलरी है वो लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पिता व पुत्र को अस्पताल पहुंचाया गया और नाल पुलिस थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। नाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। फिलहाल दोनों घायलों की स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इस तरह से सरेआम बीकानेर जिले भर में हो रही लूटपाट व की घटनाओं को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आए दिन लूटपाट की घटनाएं सामने आती है, लेकिन पुलिस है वो उनके अंकुश लगाने में नाकाम सिद्ध हो रही है। चलिए सुरेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लूट की वारदात, और फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है।